हेलो गाइस, इस वीडियो में टीम क्रिएट करूंगा। आईपीएल का पहला मैच गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। मैच खेला जाएगा अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे। हमेशा यहाँ पे जब भी T20 वनडे मैचेस होते हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस रहते हैं। इनिशियल ओवर में कुछ स्विंग मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में आप हाई स्कोरिंग एक्सपेक्ट करोगे। एवरेज फास्ट बैटिंग स्कोर यहाँ पे 175 है, तो अच्छा खासा बैटिंग विकेट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर टीम क्रिएशन की बात करूँ, तो पहले विकेट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में कौन कौन अवेलेबल है वो पहले देखना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉनवे है, मैथ्यू वेड है, धोनी है, और रिद्धिमान शाह और केसी भारत में से कोई एक खेल सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए मैं कॉनवे को ले रहा हूँ। देखो, धोनी सबका पसंदीदा प्लेयर है, लेकिन फैंटेसी टीम क्रिएट करने के समय लोग नहीं लेते। रीज़न क्या है? बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे रहते हैं, तो इसी वजह से धोनी को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस कोई नहीं देते हैं। तो मैं डेवन कॉनवे को अभी पिक कर रहा हूँ। ऑप्शन है मैथ्यू वेट का, धोनी का, और केसी भारत और रिद्धिमान शाह। अगर रिद्धिमान शाह खेलते खास करके, तो ओपन कर सकते हैं, तो उनको आप पिक कर सकते हो, लेकिन अभी श्योर नहीं हूँ। तो डेविन कॉनवे बेटर ऑप्शन लग रहा है मेरे को। अब बैट्समैन की बात करूँ, तो डेविड मिलर अनअवेलेबल है, अभी तक नहीं आए। रीज़न क्या है? एक सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका का, तो वो खेल के तब आएगा। तो डेविड मिलर अभी नहीं है स्क्वाड में। तो ऋतुराज गायकवाड़ को मैं डेफिनेटली लूँगा। उसके बाद सुमन गिल है, बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बाद केन विलियमसन, अंबाती रायडू, ये दो ऑप्शन है। मनोहर मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा, लास्ट ईयर भी गुजरात टाइटन के लिए कुछ कैमियो खेले थे, लास्ट में आके अच्छे हिटिंग किए थे, तो मनोहर को भी आप ले सकते हो। शिवम दुबे मुझे बहुत पसंद है ये प्लेयर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर बढ़ गया है, तो बॉलिंग कितना करेगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बैटिंग में तो हिटिंग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग इनको कितना मिलेगा और बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा शिवम दुबे का, ये थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे साई सुदर्शन बहुत अच्छा प्लेयर है, तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा। साई सुदर्शन किस नंबर पे आ रहे हैं? अगर टॉप फोर पे है साई सुदर्शन, तो मैं उनको डेफिनेटली पिक करूँगा। एक अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल प्लेयर है, हिटिंग भी करना जानते हैं। तो देखो, अभी दो ऑप्शन, इन दो में से आपको पिक करना है। सेफ्टी, अगर सेफ प्लेयर्स पिक करना चाहते हो, ठीक है, स्मॉल लीग के मैं टीम अभी बता रहा हूँ, तो केन विलियमसन आइदर अंबाती रायडू, तो मैं अभी केन विलियमसन के लिए जा रहा हूँ। अब ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे ऑलराउंडर्स आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ऑलराउंडर्स लेके चलना है। तो देखो, हार्दिक पांड्या मस्ट पिक है, बैटिंग बॉलिंग सबसे आपको पॉइंट्स देगा, टीम का कैप्टन सी भी करेगा, और बहुत अच्छा टच में है, बैटिंग बॉलिंग बहुत बढ़िया कर रही है। देखो, बेन स्टोक्स सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, लेकिन बॉलिंग कितना करेगा ये मैटर करेगा। टॉप थ्री में आई थिंक बैटिंग करेगा, मतलब टॉप थ्री नहीं, ऑन डाउन या टू डाउन पे बेन स्टोक्स बैटिंग करेगा, तो ले सकते हो, इम्पोर्टेंट प्लेयर भी है, मैं भी शायद लूँगा। अभी मैं रविंद्र जडेजा को पिक कर रहा हूँ, मोइन अली को ले रहा हूँ। मोइन अली ऑन डाउन पे बैटिंग करेगा, रविंद्र जडेजा थोड़ा मिडिल ऑर्डर्स में और पूरा ओवर देगा, तो इस वजह से मैं को पिक किया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ओडेन स्मिथ मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेगा, सैंडर पिटोरियस कन्फर्मेशन नहीं है, पिटोरियस खेल सकते हैं, और पिटोरियस को तभी मैं लूँगा अगर पहले चेन्नई बॉलिंग करे, क्योंकि डेथ ओवर में इनका किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन इनको आप सीबीसी के कैंडिडेट में भी रख सकते हो, पिटोरियस, अगर ये पहले चेन्नई बॉलिंग करते हैं। तो अभी देखो, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, विजय शंकर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उतना मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बेन स्टोक्स का ही जगह बनते हैं। अगर पिटोरियस खेलते हैं और चेन्नई पहले बॉलिंग करते हैं, तो मैं किसी एक प्लेयर के जगह पर मैं पिटोरियस को अपने टीम में इंक्लूड कर दूंगा। अब बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में रशीद खान मस्ट पिक है, दीपक चहर मस्ट पिक है, ये दो प्लेयर आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो, शामी का रिसेंट फॉर्म उतना मैं इम्प्रेस नहीं किया है मेरे को, तो मैं शामी को लेके थोड़ा, मतलब मैं चाहता हूँ कि शामी के जगह पर थोड़ा रिक्स ले जा सकते हैं। देखो, सेफ तो शामी ही है, लेकिन मैं शामी के जगह पर एक प्लेयर्स पे रिक्स लूँगा, वो है, देखो, लिटिल अगर खेलेगा तो मेरी टीम में लिटिल बनते हैं, क्योंकि अच्छा बॉलर्स है, कटर्स की उपयोग करते हैं,
फास्ट डिलीवरी, यॉर्कर, सब कुछ है जोशुआ लिटिल के पास, तो मैं लिटिल को देखना चाहूँगा। यस दयाल भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये इंजर्ड है, नहीं खेलेगा। अलजरी जोसेफ अगर खेलते तो मेरी टीम में जोसेफ भी रहेगा, लेकिन देखो अभी मैं श्योर नहीं हूँ लाइनअप्स के अकॉर्डिंग, तो इनमें से कौन सा यंग प्लेयर्स को मौका मिलेगा मुझे नहीं लगता। न्यू प्लेयर्स है नलकंडे, सोलंकी, ऐसे प्लेयर्स को मौका मिल सकते हैं, ठीक है। सिमरजीत सिंह, मतलब ये जो यश सिंह है, उतना अच्छा बॉलर्स नहीं लगते मेरे को। लास्ट ईयर मैं इनका मतलब बॉलिंग देखे थे, उतना अच्छा नहीं है। तो देखो अभी मैं श्योर नहीं हूँ बॉलिंग सेक्शन, तो अभी मैं शमी के लिए ही जा रहा हूँ, सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा टीम है, आप टीम प्रीव्यू भी देख सकते हो। ये टीम है, कैप्टन ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन मोइन अली। तो देखो सीबीसी का ऑप्शन क्या है, शुभमन गिल बहुत अच्छा ऑप्शन है एज ए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। डेविन कॉनवे अगर विकेट कीपर करता तो मैं इनको डेफिनेटली सीबीसी के कंटेंडर में रखता, लेकिन वहाँ पे है एमएस धोनी, तो एज ए बैट्समैन खेलेगा। तो सीबीसी के लिए हार्दिक पांड्या, मोइन अली और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल, ये चार बेस्ट ऑप्शन है। रिक्स लेने का मन है तो यहाँ पे रशीद खान और दीपक चहर में जा सकते हो, ठीक है। तो ये टीम है, अगर कुछ भी टीम में चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। इवन आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल। तो सिंपल इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करना है, शरीफ मैक्स @ देके शरीफ मैक्स सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इवन आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट पर भी मिलेगा वीडियो की, तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे वीडियोस आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।